संस्थागत गौतम बुद्ध, सामाजिक प्रवर्तन के गुरु, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक कोल्हापुर की रियासत के पूर्व राजा छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता बौद्ध सत्व भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दलितों पिछड़ों गरीबों और मुस्लिमों राजनीति की मुख्यधारा में लाने वाले वाम से डीएस फोर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय निशांत राम साहब एवं बहुजन समाज के जन्मे उन तमाम संतों गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के स्मरण अर्पित करते हुए और बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज इस दिल्ली प्रदेश की बैठक में हमारे बीच उपस्थित प्रदेश के प्रभारी श्री पी सिंह जी और प्रदेश के अध्यक्ष लक्ष्मण जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष चौधरी जी, आर्या जी और सतीश चौधरी जी और इसके साथ साथ दिल्ली प्रदेश से दूर दराज से आए हुए सभी बहुजन समाज पार्टी के जवान सिपाही, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आप सबको ये याद है हो दिल्ली में काफी लंबे समय तक हम लोग पहले हमारे पास जल था, काफी लंबे समय से हमारे पास जल नहीं और रिजल्ट क्यों नहीं है इसकी गहराई में जाना पड़े और उससे पहले रिजल्ट हमारा था काफी लंबे लंबे काफी हमारे विधायक बने और जब बने तो आज की डेट में जीरो क्यों है, आज की डेट में पीछे क्यों हो जाते हैं, इस पर भी गहन चिंतन और मंत्री विरोध होता और इसकी भी मैं स्टडी करूंगा क्योंकि हमारे बहन जी का आदेश हुआ है कि दिल्ली को भी देखना है और दिल्ली में रिजल्ट हमको चाहिए और मेरा काम करने का तरीका बड़ा सिंपल है, हमारे बहन जी का आदेश मिलता है, डायरेक्शन मिलता है, उसको 100% मैं उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करता हूं क्योंकि हमारे बहन जी से कोई भी ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है, उन्होंने इस मूवमेंट को भी अपने खून पर उन्हें खींचा है माननीय पिता जी राम साहब, तो हम सबको उनसे सीख लेनी चाहिए, हमें ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना चाहिए, बहन जी अगर कहती हमें ये काम करना है तो हम उस काम को पूरा करें, उस काम को पूरा करेंगे तो 100% हमें रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मैं काफी जगहों पर मैंने देखा है कि इससे पहले जो भी था जैसा भी था मैं उसने इतिहास में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन ये जरूर है कि अगर हमारा संगठन तैयार है